किन्नर कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष ने किन्नर समाज की समस्याओं को लेकर अधिकारियों संग बैठक की है। सोनम चिश्ती उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष है। कलेक्टर सभागार में आयोजित विशेष बैठक हुई, अधिकारियों को फटकार लगाई गई व जल्द सुविधा मुहैया कराने के निर्देश भी दिए गए। आपको बता दें, जिला अस्पताल में किन्नर समाज के लिए 2 बेड आरक्षित होंगे। किन्नर समाज के लोगों का पहचान पत्र भी बनेगा। वहीं जिले में किन्नरों की समस्याओं का निस्तारण बोर्ड को सदस्य पूजा किन्नर करेगी। योगी आदित्यनाथ जी है, जो आज तक किसी को कोई पूछता नहीं था, ऐसे किन्नर समाज को गिलहरी के रूप में उन्होंने आज ये पद दिए, प्रतिष्ठा दिए, सम्मान दिए। मैं यहाँ के एडीएम साहब, हमारे समाज कल्याण के अधिकारी पुलिस प्रशासन और समर सीएमओ साहब और हमारे एसडीएम साहब, बेसिक से सारे अधिकारी आए। मैं यहाँ के जिला अधिकारी जी, हमारे एडीएम साहब के नेतृत्व में मीटिंग हुई है, उनको मैं आभार व्यक्त करती। जिला अधिकारी जी का बहुत अच्छा मीटिंग हुआ, हमें अधिकारी लेने गए थे, बड़े सब सम्मान से मीटिंग किए और हमारे आप सबको बुलाने के मैंने निवेदन की थी, आप सबको ही बुलाया गया और मैं बड़ी प्रसन्न हूँ। और यहाँ के जो किन्नर है, हमारी बहन मेरी पूजा किन्नर जी, उनके नेतृत्व में आज ये ट्रांसजेंडर की मीटिंग की हुई है। यहाँ पे नकली किन्नर बहुत घूमते हैं, जनता को कोई भी किन्नर यदि परेशान करेंगे, यदि बदतमीजी करेंगे, मनमानी करेंगे, तो उन किन्नरों के ऊपर कार्रवाई करते हुए उनको जिला बदर करने का काम किया जाएगा। बिल्कुल जनता शहर में किसी को परेशान न करे, कोई भी किन्नर जो है कानून का पालन करते हुए जनता जो भी स्वेच्छा से दे, मतलब कोई गरीब है उसको परेशान न करे, ये हमारा कहना है। ये ट्रांसजेंडर की बात हो गई। दूसरी बात, पॉलिटिशियन बात में ये कहना चाहती हूँ, 2024 आगामी लोकसभा चुनाव है, हमारे देश के अगले भावी प्रधानमंत्री परम पूज्य संत माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। और मैं भी एक तपस्वी किन्नर हूँ, मैं भी एक संत हूँ और किन्नर भी एक भगवान के है, भगवान के दर्जे में नहीं आते हैं तो संत के दर्जे में आते, किन्नर भी एक संत हैं, क्योंकि हमारे भी माँ बाप, परिवार, भाई, बच्चे कोई नहीं, सिर्फ आप जनता है, ऊपर ईश्वर है। और योगी जी ने हमें काम करने का मौका दिए हैं, उसका मैं निर्वहन करते हुए मैं पूरी तैयारी के साथ मैं यही प्रार्थना करती हूँ, हमारे योगी आदित्यनाथ जी देश के भावी प्रधानमंत्री बने। और योगी आदित्यनाथ जी देश के हमारे भगवान है, देवता है, बहुत अच्छे हैं, हम लोग की भी आयु हमारे महाराज जी को लग जाए। ऐसे इंसान जो हमेशा मुस्कुरा के मिलते हैं, हमेशा कितने लोग मेरी बुराई कर दिए, सोनम ऐसा कर दी, सोनम ऐसा कर दी, हमको ऐसा गिरा दी, वैसा कर दी, वो डीएम ने क्या, कौन कौन अधिकारी, पर महाराज जी सदा ही कहते सोनम बहुत अच्छी है और संघर्ष करके आज उनको हम आगे भी लेके जाएंगे और सोनम अच्छा काम करती। उसी वाणी के लिए मैं महाराज जी की मैं रोने लगती, मेरे महाराज जी इतने अधिकारी मेरी बुराई करने के बाद भी महाराज जी मुझे और बल देते हैं, इसलिए मैं महाराज जी को उसका आशीर्वाद दे रही हूँ। जो महाराज जी देश के प्रधानमंत्री बने, योगी जी देश के प्रधानमंत्री बने और आप लोग आए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मैं वचन करती हूँ